हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल INS एडवेंचर पर। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो भाई मैं आया था आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पर, और दोनों ही भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से दोनों ही यात्रा मेरी बहुत सफल हुई और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। जैसे ही मैं उत्तराखंड आता हूँ मौसम ख़राब हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मेरे जो दोनों जगह दर्शन है, यहाँ तक कि केदारनाथ में भी बहुत अच्छे दर्शन हुए, बद्रीनाथ जी में बहुत अच्छे दर्शन हुए, फिर उसके बाद आदि कैलाश ओम पर्वत आया, यहाँ पे भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो अभी मैं यहाँ व्यास वैली में ही हूँ अभी, और मैं एक बहुत ही प्यारे से गांव में लेकर चलता हूँ आपको, जो कि आदि कैलाश वाले रोड पर पड़ता है। और अगर आप आ रहे हो यहाँ पे, अगर आप आदि कैलाश या ओम पर्वत आ रहे हो, तो इन गांवों में ज़रूर स्टे करें, क्योंकि यहाँ से इन लोगों की जो है इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी और इन लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। उस विलेज का नाम है रोंगकोंग, तो आपको अभी लेके चलता हूँ। तो वो देखिए भाई, हिमालय की गोद में बसा हुआ कितना प्यारा और छोटा सा गांव है, कितने पास पास घर है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस गांव का नाम है रोंगकोंग, ये सामने हो गया और ऊपर हिमालयन व्यू। अभी जिस रोड पे हम चल रहे हैं ये आदि कैलाश वाला रोड है, और जिस गांव में है ये है नाभी जी। तो अभी मेरे साथ अंशुल भाई है, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी जब हम गए थे आदि कैलाश। तो बिल्कुल कुटी गांव में ही छोड़ा था हमें, लिफ्ट दी थी, और फिर से ये हमारे साथ है और मुझे धारचूला तक छोड़ेंगे। परसों में इन्हीं के साथ धारचूला तक जाऊंगा। थैंक यू। तो एक बार और आदि कैलाश हम इनको जी दर्शन कराएंगे। मतलब लोगों को एक एक बार नहीं हो पाते हैं, और भैया का साथ है तो इनकी वजह से मेरे दो दो बार दर्शन हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप बता दीजिए अपना नंबर। तो भाई कोई भी अगर आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पर आ रहा है तो भाई से कॉन्टेक्ट कर सकता है। भाई धारचूला में ही रहते हैं और बहुत अच्छा नेचर है, बहुत हेल्पफुल है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपका रहने खाने सब की व्यवस्था करेंगे और आपको दोनों जगह आदि कैलाश और ओम पर्वत और जो भी यहाँ यहाँ दिखाने की चीज़ें हैं सब कुछ आपको बताएंगे। तो आप अपना एक बार कांटेक्ट नंबर बता दीजिए। 7037637236 जी। तो भाई हमारे साथ और भी यात्री हैं और मैम भी हैं हमारे साथ। जो रोंगकोंग विलेज है वो आपका ननिहाल है? मेरा ननिहाल है। अच्छा, आपका ननिहाल है रोंगकोंग। तो मैम हमको सारा गांव दिखाएंगी, जो भी चीज़ें वहां की हैं सभी कुछ। तो चलो चलते हैं और यहां के नज़ारे देखिए कितने प्यारे हैं। और अभी कोई होम स्टे बना हुआ है? हाँ, सबसे प्यारा और सुंदर है। आना हो वो इसमें आए। बिल्कुल, जो यहाँ का व्यू है आपको ये नैनीताल स्विट्जरलैंड वाला व्यू है। हाँ बिल्कुल है। अभी तो वो होम स्टे का पूरा स्ट्रक्चर बना है। बिल्कुल सही, एकदम आप लोगों ने देखा स्विट्जरलैंड वाला एक होम प्यास में सबसे अलग अलग ही यूनिक है बिल्कुल अलग ही है पूरे प्यास में। हाँ, और अभी तो जैसे वहाँ पीछे की तरफ देख रहे हो ना बादल लगे हुए, वो अभी हिमालय दिखता है वहाँ से, नेपाल वाला एरिया, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। अभी आपको इतना अच्छा लग रहा है और बाद में तो पता नहीं कितना ही अच्छा लगेगा। तो वो पीछे नाभी गांव रह गया, वहीं से एक रास्ता कटता है रोंगकोंग विलेज के लिए। तो अभी हम उधर की तरफ ही जा रहे हैं, वो रहा सामने की तरफ रोंगकोंग विलेज। कहाँ से हो सर जी? हम अहमदाबाद गुजरात से। गुजरात से हो आप? हाँ। तो आप उत्तराखंड पहली बार आ रहे हो? नहीं, उत्तराखंड तो पहला है, लेकिन इधर ये आदि कैलाश ओम पर्वत पहली बार। तो आपको अभी आपने ओम पर्वत के आज दर्शन करें, कैसा लगा था आपको? मतलब कोई आनंद जो बोलने से डिस्क्राइब नहीं कर सकते ऐसा है, वो अंदर का आनंद है, उसको फील करो बस, ऐसी बात है बस। बिल्कुल, हिमालय में तो हम आते हैं तो उसके फील कर सकते हैं, बस फील ही करने का, बाकी कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, बोल नहीं सकते। मैम एक बात बताइए, जैसे गुंजी गांव है वहाँ के लोग गुंजियाल हुए, रोंकली हमारे यहाँ दादियों को लल्ला कहते हैं, नानी हो या दादी हो। हाँ, लल्ला ही बोलते हैं। अच्छा, तो और जैसे दादा को बुब्बू। हाँ, क्या बोलते हैं? तिते। तिते, अच्छा ये मतलब तिब्बती भाषा हो गई? तिब्बती नहीं, हम लोग। हाँ, आप लोग यहाँ पे जैसे में तीन जाति होती है, रंग रोंगपा सोका। हाँ, सोका जोहार वाले हुए। हाँ, और रोंगपा हुए नीति माना। अच्छा, नीति माणा में गया था तो वो रोंगपा हुए। हाँ, जी जी जी। जितने हमारे साइड में 14 में हमारी साइड के गांव है। हाँ, जो हमारे ब्यास वैली में, ब्यास वैली में, यहाँ आप मोस्टली देखेंगे किसी के घर में लॉक नहीं लगता, इनके दरवाजों में ताला तब लगाते हैं जब वो यहाँ नहीं रहते। हाँ, जब जैसे कि विंटर में छोड़ के जाते हैं। हाँ, और नीचे एक प्यारी सी नदी बह के जा रही है, और ये वही नदी है जो आदि कैलाश से जो गौरी कुंड है वहीं से निकल के आती है। यहाँ पे जैसे इसमें लिखा है स्वर्गीय श्री दर्जी लामा जी, उनकी डेथ हुई
तो उनके जो घर वाले हैं उनकी मतलब स्मृति के लिए। अच्छा, तो भाई ये एक प्यारा सा पुल बना हुआ है लोहे का, और जब उत्तराखंड या पहाड़ों में कहीं भी आप आते हो तो ऐसा पुल मिलता है तो बहुत ही प्यारा लगता है, और व्यू भी यहाँ से बहुत शानदार है। अभी तो थोड़े से मौसम बिगड़ चुका है, बादल हो रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन व्यू फिर भी बहुत ही सुंदर है। अभी हम जो है रोंगकोंग विलेज पहुँच चुके हैं, और जो रोंगकोंग विलेज है वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। अगर आप नावी आ रहे हो, नावी से वॉकिंग डिस्टेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर आपको चलना पड़ेगा, तो यहाँ पे आके भी आप घूम सकते हो। और हाँ, ट्रैक बहुत ईजी है, मतलब ईजीली पहुँच सकते हो आप, कोई दूर नहीं है, आपको अच्छा भी लगेगा। एक छोटा सा ट्रैक है 500 मीटर का, एकदम हिमालय की गोद में बसा हुआ ये गाँव है, पीछे पूरा हिमालयन व्यू हो गया और नीचे ये गाँव। तो रोंगकोंग विलेज के हम जो द्वार है उस पे पहुंच चुके हैं, वेलकम टू रोंगकोंग। तो ये रोंगकोंग विलेज की जो गलियां हैं गांव की वो देखिए, छोटी छोटी गलियां, और घर देखो कितने पुराने हैं, कोई अंदाज़ा भी नहीं है, कम से कम 300-400 साल पुराने गांव घर तो होंगे ही है। नमस्ते जी, पहलाग जी, पहलाग। छोटा सा गांव रोंगकोंग गांव, रोंगकोंग, ये रोंगकोंग के जितने भी है ग्रामवासी हैं जी। और यहाँ की एक खासियत ये है, गाड़ी रोड नहीं है, नंबर एक बार जी, ठीक है। बाकी सौंदर्यकरण में हमारा गांव सबसे अच्छा है। मैं जब कल आया था, कल मैं जा रहा था आदि कैलाश के लिए जी, परसों की बात है जी, मैं नावी रुका थे, थोड़ी देर के लिए गाड़ी नावी रुकी थी, मेरी नज़र इस गाँव में गई और सबसे सुंदर लगा, और मैंने सोचा कि मतलब चाहे कुछ भी हो जाए रोंगकोंग जाना है मुझे। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत सुंदर गांव। हमारे यहाँ के गांव का एक छोटा सा नजारा है, हमारे यहाँ एक हाथी पहाड़ है, इधर हाथी पहाड़ जी, बताइए हमारा हाथी पहाड़। ये सामने वाला ही जो छोटा वाला दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है ना ये? हाँ हाँ हाँ, लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, हाथी जैसी शेप आ रही है। ऊपर टॉप में देखिए वो जी, जो लंबा वाला टॉप है ना, हाँ हाँ, उसके पीछे हमारी नंदी बैठी है, नंदी से झूम करके उसको एक बार वो देखिए भाई, नहीं तो मैं अपने मोबाइल से भी दिखा सकता हूँ जी। अभी जहाँ पे अभी हम हैं, ये क्या है, ग्राम सभा? हमारी ग्राम सभा है, ग्राम सभा है, सामूहिक ग्राम सभा, सामूहिक। अगर कोई फंक्शन वगैरह होता है तो यहाँ पे होता है, अगर कोई मीटिंग हो गई, कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है तो यहीं पर ही होता है। अच्छा, और जैसे रोंगकोंग विलेज है, यहाँ के लोग रोंगकी कहलाते हैं, रोंगकली, रोंगकली, रोंगकोंग गाँव हुआ तो रोंगकली कहलाते, रोंगकली। जैसे गाँव है तो नबियाल, नबियाल, गुंजी, गुंजियाल, गुंजियाल, नपलचो है तो नपलचा, नपलचा, गर्बियाल है तो गर्बियांग है तो गर्बियाल जी। तो यहाँ पे होम स्टे भी है? होम स्टे यहाँ कुछ नहीं है, तो आपको बनाने चाहिए, बहुत सुंदर गांव है। लेकिन क्या कर रहे हैं अब, थोड़ी सी समस्या ये है कि गाड़ी रोड से वंचित भी है और सामान लाने आने में भी दिक्कत हो जाती है जी, क्योंकि होम स्टे के लिए फिर भारी भरकम सामान भारी भरकम लानी पड़ती है। लेकिन मैं अपने YouTube चैनल पे डालूंगा कि यहाँ पे अगर कोई आ रहा है आदि कैलाश की तरफ, अगर कोई जा रहा है, नावी से बस 500 मीटर की दूरी पे ही होगा गांव, ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर भी नहीं है, 1 किलोमीटर। हाँ, तो भाई इतना सुंदर गांव है, आप नावी से ही देख लेना। आपका अगर नहीं मन करे यहाँ रुकने का तो मेरा नाम बदल देना भाई, इतना सुंदर गांव है। शायद ब्याह आते रहते हैं, कल भी आए थे, काफी लोगों को मैंने थोड़ा सा घुमाया था जी। और हमारी वो जल देवी का मंदिर है। अच्छा, जल देवी का, वो है जल देवी का मंदिर जी, वो देखिए, धरती के नीचे से 80 जगह से पानी फूटता है तब जाके वो तालाब है, तालाब बनता है 80 जगहों से पानी फूटता है तब जाके वो तालाब के बीच में वो मंदिर बना हुआ है, और सारे पानी बर्फ में जम जाएंगे जी जी, लेकिन वो तालाब का पानी कभी बर्फ में नहीं जमता। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजय सिंह रोंगकली, संजय सिंह रोंगकली, ठीक है। आइएगा थोड़ा आगे और नजारा दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, ओके ओके, पहलाग जी। ये हमारी ये है कि अच्छा सौभाग्य है कि आप लोग कम से कम वहाँ से यहाँ आते हैं, और एक ऐसे से दूर से गांव को आके आप लोग देखते हैं और हम लोगों से मिलते हैं, इस बात की हमको भी खुशी। मैं तो चाहता हूँ यहाँ पे दुकानें वगैरह हो, होम स्टे हो, बहुत सुंदर गांव है और बहुत अच्छा गांव है। अब जैसे जैसे होगा उस हिसाब से अब धीरे धीरे, अब तो यात्री भी बढ़ने लगे हैं, तो आगे चल के हो सकता है कि यहाँ पे होम स्टे भी खुले। वही चीज है। तो ये घर जो है ये कितने पुराने होंगे लगभग? ये लगा लीजिए लगभग ये दादा परदादा के जमाने के हैं। अच्छा, उस टाइम के, मतलब 300-400 साल पुराने तो घर हुए लगभग। और गांव कितना पुराना होगा लगभग? गांव भी उस
उतने पुराना है। मतलब कोई अभी पता नहीं है, फिक्स नहीं है, हजार साल, 2000, 3000 पांडवों के जैसे हमारे पुरख लोग आए, पुरख लोग यही बसे। जी जी। कुछ रोंगकांग बसे रोंगकली बन गए, कोई नाभी बसे नभियाल बन गए। अच्छा। तो बसे हमारे बुजुर्ग लोग यही थे। अब पहले तो क्या करते थे कि यहीं पर ही खेती बाड़ी करते थे जी, और यहीं रहते थे, और माइग्रेशन में विंटर में धारचूला जाते थे। अच्छा, धारचूला। क्योंकि जब यहाँ पर ज्यादा बर्फबारी हो जाती थी तो यहाँ से पलायन कर लेते थे, और जो भी खेती बाड़ी होती है सिर्फ 6 महीने में होती है यहाँ। हाँ, यहाँ पे तो भी 6 महीने ही बसते, 6 महीने की खेती बाड़ी होती है, 6 महीने के बाद सब लोग यहाँ से नीचे पलायन कर लेते जी। तो चलिए गाँव की तरफ आगे चलते हैं, और ये घर देख लीजिए, पुराना घर है। इनकी चौखट देखिए, इनकी नक्काशी देखिए, ऊपर की डिजाइन देखिए। चलो। अच्छा, जैसे पहले से यात्रा जैसे चलती आ रही है आदि कैलाश वाली, तो यात्री इधर आते हैं घूमने के लिए? वैसे थोड़े बहुत कोई कोई आते हैं, जैसे आप लोग आए जी तो हमको अच्छा लगा, ऐसे कोई कोई आते हैं, बाकी लोग वहीं रहे ना, भी पुल तक आते हैं, पुल में अपना फोटोग्राफी करते हैं, वहीं से लौट जाते हैं जी। खेत जोत रहे हैं जी। अच्छा, हाँ, यहाँ पे क्या क्या खेती हो जाती है लगभग? यहाँ पर आपका ये लगा लो जो कुट्टू का आटा होता है, फापर एक वो हुआ, और आपका आलू हो गया, मूली हो गया, मटर हो गया, राजमा हो गया, गोभी हो गई, गोभी हो गए, ये चीजें यहाँ पर होती है। वो धान और गेहूँ नहीं होता? बस धान और गेहूँ नहीं होता जी, बाकी सब लगभग हो जाता है, सब अपने खाने पीने के लिए। तो हो जाने पीने के लिए सब चीज हो जाता है जी। अब पहले तक धान बोते थे, अब धान बोते है नहीं। अच्छा, धान यहाँ पे होता था पहले? अच्छा, हाँ, लेकिन अभी बोते नहीं, अब बोते नहीं है, बहुत कम लोग बोते हैं इसको जी, बारिश के टाइम में होता है। घर का डिजाइन जी, मतलब पुराना जो एंशिएंट टाइम पे बनाते थे, ये सब पुराने मकान है जी, जितने भी है सारे पुराने मकान है, सिर्फ ये दरवाजे नहीं बना रखे हैं, बाकी ये दादा परदादा के, ये लगभग 400-500 साल पुराने, इतना कंफर्म मान। अब तो जो इनके कारीगर थे वो मिलते भी नहीं होंगे? अब तो कोई कारीगरी नहीं है, जो नक्काशी अक्काशी बनाते हैं, बना ही नहीं पाता ऐसी कलाकारी, ऐसी कलाकारी है ही नहीं, मतलब विलुप्त हो गई एक तरीके से, हो गई है। 500 साल पुराने मकान है। अब जितने भी ऐसे कारीगर थे वो बेचारे भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, इसीलिए तब अब सिंपली होता है सब चीज। तो वही वहाँ पे बैलों के द्वारा खेती हो रही है वहाँ आगे, ये देखिए अभी आलू लगाया जा रहा है खेतों में, तो अभी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, और ये है सारे डिजाइन, तो ये पेंट वगैरह तो अभी का ही है, तो सब अभी लगाया गया है जी, डिजाइन है सब, ये सब पुराने, मतलब कम से कम 300-400 साल पुरानी। घर अंदर से देख सकता हूँ? हाँ, वही कह रही हूँ, एक्सप्लोर कर लीजिए। तो भाई, जो एशियंट टाइम के व्यास वैली के जो घर है, अभी ये सीढ़ियाँ हो गई, ये कितने मंजिल का घर होगा लगभग? ये आपका 2 मंजिल का मकान, 2 मंजिल का मकान है। तो भाई, ये है जमाने के हमारे बक्से, जो बुबू दादाओं के जमाने के परदादा के ये बक्से है। अच्छा, ये बक्से हो गए, इनको क्या कोठियार बोलते हैं? इसको हमारे वहाँ बंचिम कहते हैं। बंचिम। तो इसमें क्या रखते हैं? हम लोग इसमें अनाज हनाज ये सामान है सब रखते हैं। अच्छा, इसमें तो आप ये देख लीजिए भाई, इसमें अनाज वगैरह सब कुछ, खाने पीने का जो सामान होता है वो इसमें रखा जाता और है। और इसकी बनावट सब लकड़ियों की है, और इसमें कील कब्जे सब लकड़ियों के लगे हैं जमाने के। जी जी। और इसको खोलना भी चाहे तो हम खाली इन कील कब्जों को निकाल देते हैं, ये सब। अच्छा, पूरा पार्टीशन अभी भी इसमें रखते हैं अनाज? अभी भी रखते हैं जी, कपड़े लत्ते अनाज वनाज सब रखे जाते हैं। कोई कोई तो इससे भी बड़े हैं, जिसमें हम घुस जाएंगे तो हमारे बराबर होते हैं। अच्छा, इसमें बड़े ये है हमारे, जैसे मिट्टी का ही है? मिट्टी का नहीं, पूरा लकड़ी का है। लकड़ी का? हाँ जी, जमाने के लकड़ी का है। अच्छा। बिल्कुल, जैसे उत्तर काशी साइड जाते हैं उत्तराखंड में ही, तो वो लोग बोलते हैं कोठियार। हाँ, वो कोठियार कहते हैं, और हमारे यहाँ ये ऊपर साइड जी बंचिम कहते हैं। बंचिम कहते हैं ब्यास वैली साइड, ब्यास, चौदास और दारमा में बंचिम जी। और ये जो लकड़ी हुई छत की, ये किस चीज की है? ये सब देवदार की लकड़ियां हैं। अच्छा, ये देवदार की है? चीड़ के और देवदार के लकड़ियां, चीड़ और देव। और ये मकान को टेकने के लिए धूरी के जमाने के हैं, ये भी दादा परदादा के जमाने के हैं। तब से लेके जब से ये घर बना होगा, ये लकड़ियां तो नहीं बदली गई होंगी? अभी तक चेंज ही नहीं हुई है कोई भी लकड़ी जी। यहाँ पे लाइट आती है? लाइट नहीं है, लाइट हमारी ये जो भी सोलर प्लेट है उनके द्वारा, उसी के जरिए। जैसे ये ब्यास वैली हो गई, यहाँ पे अभी कहीं पे भी लाइट नहीं है? अभी कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ एक आपका नपलचू और गुंजी के अलावा वहाँ लाइट है। नपल जो में पावर हाउस है। अच्छा, तो वहाँ से फिर गुंजे सप्लाई करते हैं वो। ठीक है। यहाँ भी पावर हाउस बन रहा था जी, लेकिन जी थोड़ा सा ग्लेशियर आने की वजह से पावर हाउस की छत टूट जाती है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत पड़ गई। ठीक है। तो पावर हाउस कब का तैयार हो जाता है जी।
चलो अभी जो घर का बाकी का हिस्सा है वो भी देख लेते हैं। और यहाँ की खिड़कियाँ देखिए, खिड़कियाँ है ये, यहाँ से बाहर देखा जा सकता है। ये देखिए ऐसे नज़ारे मिलेंगे आपको बाहर, खिड़की से बाहर आते हैं। तो वही अभी आगे चलते हैं किचन की तरफ। यहाँ पे ये किचन हो गई, ये है किचन और ये है रसोई, आग जलाने के लिए चूल्हा हो गया जी। लेकिन ये चूल्हा भी शॉर्टकट वाला है। अच्छा, तो एक चूल्हा हमारे यहाँ ऐसा है, यहाँ पर से इसका नली जाता ऊपर को। अच्छा, सीधा नली, मतलब उसका धुआं ऊपर ही नहीं, सीधा ऊपर ही जाएगा। जी जी जी, जैसे मैंने पिछले घरों में देखा था उनमें ऐसे बना रखा था कि उनका धुआं बाहर ही निकल जाएगा, ताकि कमरे में कोई प्रॉब्लम ना हो। सीधे यहीं से आग जलेगी, खाना पकेगा और धुआं बाहर ऊपर जाएगा। तो इसमें तो जैसे ठंड तो बिल्कुल लगती नहीं होगी, ठंड तो वैसे नहीं लगती है। हाँ, बहुत मोटी मोटी दीवारें हो गई और मिट्टी की ये लिपाई है पूरी। हाँ, दीवारों में, तो इस वजह से भी काफी गर्मी रहती है और हाइट भी इसीलिए कम है क्योंकि बर्फीला इलाका हवा चलता है, तो हवा कम होने से वैसी गर्मी रहती है। अच्छा ठीक है जी। तो भाई ये वाला एरिया हो गया, यहाँ पे किचन और कोठियार दो चीजें हो गई, सामान रखने के लिए अनाज वगैरह, और किचन यहाँ पे हो गया। अब बाकी का हिस्सा ये जिसमें रहते हैं लोग, नीचे वाला जो है, नीचे वाला ऑप्शन, यहाँ पे भी एक रूम। अच्छा, अंदर से एक और, एक और। हाँ, अच्छा नीचे ये भी हर एक घर में होते हैं, क्योंकि जैसे एक परिवार में अगर तीन चार भाई होते हैं तो देन वो भी डिवाइड होता है। अच्छा, एक हाँ, कमरा डिवाइड किचन जी, एक कमरा किचन, एक कमरा एक किचन और एक नीचे गोट। इसे हमारे वहाँ क्या कहते हैं मामा, गोट ही कहते हैं ना, ये कुछ ये थी दर, हमारे दर कहते हैं दर, नीचे वाले दर दर, दर कहते हैं दर, ये गोट हुआ वैसे हिंदी में। हाँ, हमारी भाषा में दर कहते, दर कहते हैं। ये वाला सामने वाला जो घर दिख रहा है ये अभी नया बना हुआ है? बना हुआ है। अच्छा, पुराना था, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ था, तो इसीलिए इसको नीचे जड़ से निकाल के नए तरीके से बनाया। अच्छा, और जो चौखट वगैरह है वो सब यूज करी पुराने? हाँ, वो सब यूज करी, ये अच्छी बात है, ये पुराने हैं जी, बाकी सब जो है वो नए दीवार। तो भाई यहाँ पे जो लाइट है वो अभी है नहीं, तो सोलर प्लेट से ही, हाँ सोलर के जरिए यहाँ पे लाइट आती है। एक प्लेट से पांच परिवारों को लाइट दिया जाता है। अच्छा, एक प्लेट से पांच परिवारों को, तो ये प्लेट लगी है जी, पांच परिवारों को लाइट जी। और जो आप धुएं वाली चीज बता रहे थे वो ये हो गई, जो ये दिख रहे हैं इनसे धुआं निकलता है बाहर, कौन सा चीज से? जो आप कह रहे थे पाइप लगाते हैं चूल्हे में, तो वो जो ये है, ये उसका, हाँ ये इनसे धुआं बाहर निकल आता है, टॉप है जी, इससे धुआं बाहर निकलता है। अच्छा हाँ, वो हो गया वहाँ पे टॉप लगा रखा है जी। ये तो बस डिजाइन के लिए है, ऊपर जो पत्थर रख रखे हैं वो तो वो हमारे जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं जी, जैसे पूजा पाठ में हम लोग मंदिर जाते हैं, तो मंदिर से हम क्या करते हैं, जो यहाँ से धूप लेके नहीं जाते आप लोग जी जी, तो धूप हम मंदिर से उसमें ये जैसे धजा वजा होता है जी, वो बांध के फिर घर लेके आते हैं, फिर इसके ऊपर उसको लगाया जाता है। अच्छा, उसको पूजा भी जाता है जी जी, इसको भायन कहते हैं बस, भायन। हाँ जी, इसको भायन कहते हैं, हर साल होते रहते हैं। अच्छा, ये मतलब बिच्छू है, ये खाने वाला बिच्छू है। अच्छा, खाने वाला, इसको ये बना के खाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये बिच्छू हुआ, लेकिन ये खाने वाला बिच्छू सब्जी वाला, सब्जी वाला हुआ है, तो ये बिच्छू हो गया, चटनी बनती है वो, तो भाई ये खाने वाला हुआ, और ये हमारे लिए बहुत पौष्टिक सबसे टेस्टी पालक खाई, आप इसे चुभेगा भी नहीं, आपको अभी लेके भी जा सकते हो, हल्का सा लगेगा, हल्का सा लगेगा, हाँ है, इस पे भी कांटे हैं, यहाँ पे वो भी होता है जो काला जीरा थोए होता है, काला जीरा दही भी होता है, लेकिन अभी हुआ नहीं। अच्छा, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको? हमारे वहाँ भी दही कहते हैं। अच्छा, मैं जब जोहार गया था वहाँ थोए बोलते हैं। हाँ, हमारे वहाँ भी थायो ही कहते हैं। अच्छा, थायो। हाँ, थायो ही कहते हैं हमारे। जी जी, ये जो दर्द के लिए, गैस वैस के लिए बहुत बढ़िया लाइलाज दवाई है जी जी, आप इसको दाल हाल में भी मिला सकते हैं। ये आप देख रहे हो, इसको गंदरायन बोलते हैं जी, और हमारी भाषा में इसको छीबी कहते हैं, छीबी। हाँ जी, हम लोग इधर को जा रहे हैं मैम, चलिए। तो भाई आप अभी जो ये सामने वाला घर देख रहे हैं, ये थोड़ा सा टूट फूट गया था, तो ये फिर से रिपेयर किया है, बनाया है, लेकिन अच्छी बात ये है जो पुरानी जो चौखट वगैरह थी उन्हीं का यूज करके ये बनाया गया है। ये ऊपर आपका मंदिर हो गया? हाँ जी, ये सबसे बड़े हमारे इष्ट देव का मंदिर। कौन से देवता हो गए? इसको यहाँ घनकांग कहते हैं, घनकांग जी, यहाँ सिर्फ हमारे अलग अलग नाम होते हैं देवताओं के जी जी, जैसे यहाँ घनकांग हो गए, नमजुंग हो गए, हर गांव में अलग 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 अलग
जी जी जी। जैसे ना भी जाओगे तो उनके देवी देवताओं का नाम अलग। तो यहाँ पे जैसे मेला भी आता है, मैंने सुना है कि हर 12 साल में मेला, कुंभ मेला आता है यहाँ। ऐसा है 12 साल में नहीं है, यहाँ हर साल में एक मेला चलता है, ब्यास ऋषि वाला मेला। अच्छा, जैसे इस बार भी चलेगा अगस्त के समय। अगस्त के समय फिर जो ये 12 साल में जो कुंभ मेला आता है जी, वो आपका एक कुटी में होता है और एक आपका गुंजी में होता है। गुंजी में होता है, उसको क्या बोलते हैं? गुंजी में तो कहते हैं जुमली या सामो, और कुटी में कहते हैं कुटी गुलच। कुटी गुलच। और कंडाली मेला भी होता है ना? कंडाली आपका 14वां। कंडाली 14वां होता है, वो हर साल होता है? वो 12 साल के बाद होता है। अच्छा, वो भी 12 साल के बाद, क्योंकि वो एक ऐसा पौधा होता है जिसमें 12 साल में 12 गांठें होती है। अच्छा, फिर उसके बाद उस पौधे को 12 साल के बाद काटा जाता है, क्योंकि वो एक दुश्मन के रूप में माना जाता है। अच्छा, उस पौधे को, इसीलिए उसको काटा जाता है तलवारों से। जैसे हमारे महिलाएं धन भूनते समय एक लकड़ी की पट्टी होती है जी, जी। उससे चेन से तलवार ले जाएंगे तो वो पौधा भी कंगडाली हुआ। वो कंगडाली पौधा हुआ, और उसी के नाम पे उसी के नाम पर कंगडाली हुआ, कंगडाली त्योहार हो गया जी। हाँ, ये भोजपत्र के पेड़ हो गए। और इन पेड़ों की एक कहानी है जी, बताइए। कहते हैं हमारे बुबू दादा लोग, उस जमाने में सतयुग का जमाना था कहते हैं जी। तो सतयुग के जमाने में क्या होता था, एक आदमी का पुराण होता था जी, कि अगर हमने ये क्रॉस कर दिया अच्छा तो हम सेफ हो जाएंगे जी। अगर हम उजाले तक इसको क्रॉस नहीं कर पाए तो जिस आकार में है उसी आकार में कुछ भी बने। अच्छा, अरे हम पत्थर बने, लकड़ी बने, जो भी बने, कुछ भी बन सके। पूरी बारात थी, लाइन से बारात आ रही थी, बारात आई, बारात आ रही थी, बस सुबह का यही हो गया। अच्छा, तो पूरी सब भोज पत्थर के पेड़ जहाँ तक भी वहाँ तक नजर आ रही है। आगे से जाइए, तो भाई आप वहाँ से देखोगे पीछे की तरफ से, वहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं भोजपत्र के पेड़, और वहाँ से स्टार्ट होते हुए वहाँ तक है। तो ये बारात थी जी, उसके बाद एक ये है, ये जो गुफा दिख रही है ऊपर की। हाँ, दिख रही है, इसको कहते हैं हमारे वहाँ राक्षस गुफा। राक्षस गुफा, हाँ जी, क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ जो खेती खलिहान करते हैं हम लोग जी, जी, ये हमारी खेती खलिहान को यहाँ से खींच के अपने पास ले सकते। अच्छा, यहाँ के बालियाँ हालियाँ और थोड़े से खेती के सब चीजें वहाँ पर मिलती हैं, अभी भी होता है ये चीजें। अच्छा, अभी भी होता है, वो वहीं से खींच लेता है, मतलब खराब कर देता है एक तरीके से, कम कर देता है। तो ये जो आगे का छोटा सा चट्टान है जी, ये चट्टान हमारे यहाँ से निकल के गैस को बंद करने के लिए। हाँ, दिख रही है छोटी सी आगे, लेकिन इस बेचारे का भी वही हुआ जी जी, उजाले होने से पहले ये भी वहीं पर ही तक रुक गया, तो ये वहीं पर ही पत्थर का बन गया, इसको ढक नहीं पाया। अगर इसको बाई दफे ढक देते जी, तो आज हमारे इस गांव में काफी पैदावार और खुशहाली बहुत अच्छी हो जाती। और जैसे जब 1962 का जब ट्रेड बंद हो गया था, तो मैं जैसे जौहर घाटी में गया था, तो वहाँ के लोग जैसे छोड़ के चले गए थे, घर खंडर हो गए थे, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, छोड़ गए थे? या यहाँ कोई छोड़ के नहीं, यहाँ कोई छोड़ गए, यहाँ हर साल गांव वाले आते रहे, खेती बाड़ी करते थे हमारे बहुत ज्यादा पड़ता था। अच्छा, उन्होंने कभी यहाँ से पलायन, तभी ये गांव वैसे की वैसे ही है जैसे पहले थे, कभी यहाँ से पलायन करने का नहीं, पलायन कभी नहीं करा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई ट्रेड बंद होने के बाद भी यहाँ के गांव वालों ने, जो ब्यास वैली है, इन्होंने कभी भी अपना गांव नहीं छोड़ा। तो भाई जो अंकल जी मंदिर का बता रहे थे कि 80 धाराओं से 80 जगहों से पानी फूटता है, ये जल देवी का मंदिर है और चारों तरफ पानी रहता है, कितनी भी ठंड पड़े ये पानी जो है कभी फ्रीज नहीं होता। अभी आप आटा वगैरह कहाँ से पिसवाते हो? अभी जितना भी है जो हमने पिछले बार जो हमने पिसा हुआ है जी, वो आटे स्टॉक में है जी, और कुछ कुछ धारचूले से लेके आते हैं। गरेट यूज में आता है? अभी गरेट यूज में आता है, चलता है? चलता है बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे वो भी होता है जिम्बू, जिम्बू होता है इधर, ये जिम्बू घास जैसा होता है, अभी तो नहीं हो रहा शायद, है ना? अच्छा, ये जिम्बू घास हो गई यहाँ, हाँ ये हो गई भाई जिम्बू घास। ये भी मैंने जौहर घाटी में देखी थी, और इसका तड़का लगाया जाता है, इसे सुखा करके तब इसको पहले कूटा जाता है जी, कूटने के बाद हाँ, और वो हाँ वो मैंने खाया है जी, और वो हो गया गंदरायन। ये है आपका गंदरायनी, गंदरायनी तो भाई ये रास्ते अभी खेत की तरफ जा रहे हैं हम, और यहाँ पे भी पुराने पुराने घर हैं। ये तो 3 मंजिल का घर है, 2 मंजिल का है वो सामने वाला, 3 मंजिल का है ना? अभी 3 मंजिल का, हाँ ये भी 3 मंजिल का भाई, यहाँ पे देखिए 3-3 मंजिल के, ये देखो टूटा हुआ है, ये नीचे वाली मंजिल, फिर बीच वाली, फिर सबसे ऊपर।
अच्छा ये आपका है जो अंकल जी हमें घुमा रहे हैं, ये उनका मकान है। छोटा सा नहीं है, बहुत प्यारा सा मकान है, प्यारा सा है, छोटा नहीं है, प्यारा है मकान जी। तो भाई मकानों में रहने में आज के टाइम में अलग ही फील आती है, बिल्कुल आती है। जैसे बाहर के लोग, शहर के लोग आते हैं तो उनकी इच्छा होती है ऐसे गाँव में रुकने की जी। तो भाई जो अंकल जी हमें घुमा रहे हैं वो उनकी माता जी, इनकी एज कितनी हो गई होगी? एज कितना हो गया होगा मम्मी? लो मेरा सजन पत्री नहीं है, मुझे क्या पता ही नहीं है। 90 तो क्रॉस होंगे। हाँ भाई मैं पहाड़ में 50 साल तो इनको होंगे। हाँ क्योंकि हम बच्चा, हमें तो इन्होंने गोद में खिलाया जी। हाँ जिस हिसाब से मुझे 25 हो रहे हैं तो इनको मेरे हिसाब से 50 ही नहीं हो रहे होंगे, तो 90 हाँ बिल्कुल हो रहे होंगे, बिल्कुल हो रहे होंगे। तो भाई मैं पहाड़ में जहाँ भी जाता हूँ, जो बुजुर्ग महिलाएं होती है उनको किसी को भी नहीं पता रहती, कहीं भी गाँव में जाओ तो पहले कौन ही पता करता था, लेकिन बहुत तेज है, मतलब इतना काम करती है जितना यहाँ के एजेंसी नहीं कर पाए। बिल्कुल इतना काम करती है जी, नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर सकते। तो भाई यहाँ पे ये खेती है, कुछ यहाँ पे क्या क्या उगा रखा है अभी? अभी तो कुछ नहीं, अभी खाली है ऐसे ही, बस थोड़ा सा जिम्बू हो रहा है, जिम्बू और प्याज, प्याज हो गया यहाँ पे। हाँ जिम्बू वो आगे वाला हो गया जी। भाई ये वाला घर देखो कितना सुंदर है, इसकी डिजाइन देखो चौखटों की, बहुत सुंदर। अलग हर किसी घर में। अच्छा ये बताइए, जैसे यहाँ पे चौखट में जैसे हमारे तरफ रहते गणेश भगवान रहते हैं, यहाँ पे ये कौन से देवता हुए? गणेश भगवान। हाँ उनकी वो सूंड हो गई नीचे की तरफ जी। तो भाई यहाँ पे भी चौखट में गणेश भगवान जी की ही वो है, कितना सुंदर। और ये सब पुराने पुराने घर हैं, एंसिएंट घर हैं, 400-500 साल पुराने। अभी खेतों की तरफ आ चुके हैं हम, तो यहाँ पे अभी खेत, हाँ वो खेत, तो भाई खेत जोत रहे हैं यहाँ पे और रोपाई और बोवाई हो रही है यहाँ पे, सभी लोग गांव वाले कर रहे हैं। वो जो बैल है वो याक जैसा ही है, वो जुप्पू कहते हैं उसको। अच्छा उसको जुप्पू कहते हैं, याक नहीं हुआ। और तिब्बत साइड जाते तो याक वो होता, याक अलग होता है। हाँ याक अलग होता है, वो याकी के बच्चे हुए। हाँ प्रजाति उसी की हो गई। तो ये देखिए अभी भी गांव में यहाँ पे बैलों के द्वारा ही हल से खेती होती है। अभी यहाँ पे आलू लगाया जा रहा है, अभी आलू बोया जा रहा है जी। हाँ मैम ये सब हमारे गांव वालों का ही है जी, साथ में करते हैं। और ये वाले जो पेड़ हैं ये सेब के हो गए? सेब के पेड़ है। सेब यहाँ पे अच्छा होता है? बिल्कुल बढ़िया। कौन सा वो ग्रीन वाला या कौन सा? रेड कलर में भी होता है और ग्रीन, और ग्रीन कलर में। अच्छा अभी इस पे एक दो बार आए आए हैं, काफी बार हो गए इसमें। अच्छा काफी बार हो चुके हैं। तो बाहर से अभी जैसे मतलब कैसी वैरायटी है उनकी, अच्छी है? सेब तो लाल है, मीठे भी हैं। हाँ लेकिन कौन सी ब्रीड का है, कौन सी वैरायटी का ये पता है। तो जैसे आप और भी लगा सकते हैं, मतलब आगे चल के बाहर भी एक्सपोर्ट, जैसे मैं उधर गया था हरसिल घाटी में, वहाँ उत्तरकाशी साइड, तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब बगीचे हैं सेब के, और वहाँ के उत्तराखंड में सबसे ज्यादा फेमस हरसिल के सेब हैं। तो यहाँ पे भी बहुत ठंड पड़ती है, तो आप ये भी लगाएं सेब के पेड़ भी, क्योंकि अभी सेब के पेड़ का ऐसा हो जाता है उसके लिए भी हमको ऐसा पूरा घेराबंदी करना पड़ता है जी, नहीं तो क्या होता है जानवर आ जाते हैं। यहाँ बंदर वगैरह तो नहीं होंगे? बंदर तो कभी कभार एक दो आ जाते हैं, वो बेचारे भी जाते हैं ऊपर कैलाश घूमने के लिए। अच्छा लेकिन हम जैसे लोग देख लेते हैं तो वो बेचारे वापस चले जाते हैं जी जी, घूमने से। अच्छा तो भाई यहाँ पे बैलों के द्वारा ही खेती हो रही है। ये भी यहाँ पे भी आलू लगाएंगे इस खेत में? फापर कुटू जो नहीं, नहीं कुटू तो दूसरा होता ना, ओगल। अच्छा कुटू को ओगल कहते हैं, इसमें बोएंगे जो कड़वा होता है वो फापर। अच्छा कड़वा वाला फापर भी बोएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ बै कहते हैं उसको, बै कहते हैं, बै बै, और कुटू को पलती, पलती कुटू को पलती कहते हैं वहाँ, फापर को बै। अच्छा तो यहाँ पे भाई ये हो गया हल पीछे, आपने कभी अगर खेती नहीं देखी हो हल से और बैलों से तो यहाँ पे देख लीजिए, उत्तराखंड के ब्यास वैली में वहाँ पे भी। तो भाई ये वाला जो खेत है इसमें आलू लगाया जा रहा है, तो ये आलू पटक दिए हैं और इनको ढक देंगे, और फिर उसके बाद कितने महीनों में आ जाता है इसका पौधा ऊपर? 5 महीने के बाद। और एक जैसे आलू डाल दिए, एक दो डाल दिए, तो उसमें से कितने, एक आध किलो निकल जाते हैं?
अच्छा, तो भाई यहाँ पे आलू की खेती हो रही है, वो फापर की हो रही है, और यहाँ पे इसमें क्या लगाएंगे आप लोग? इसमें भी आलू लगाएंगे? आलू ही लगा रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये आलू की खेती हो रही है। तो भाई एक बार ये पूरा गांव देख लीजिए, बहुत पुराने घर हैं, एसेंट घर हैं। अगर कोई आ रहा है आदि कैलाश की तरफ तो इस गांव में भी आ सकते हैं, रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। खेतों की तरफ हम आए हैं और यहाँ से भी आप गांव देख लो, बहुत ही पुराने घर हैं। सामने वाला घर तो और भी ज़्यादा पुराना है, पता नहीं कितने साल पुराने हैं। बोलते हैं कि हमारे बुजुर्गों के बुजुर्गों ने बनाया है, तो 300-400 साल पुराने तो घर होंगे ही, और हजारों साल पुराना ये गांव है। तो भाई ये मैम है जो ये हमको यहाँ पे लेके आई थी, अंशुल भाई और बाकी के यात्री, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सर जी थे, गांव के ही हैं, क्या नाम था आपका? संजय सिंह रोंकली। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से गांव घुमाया, पूरा गांव हमारे साथ ही चले थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पैलाग जी। ये हो गया ब्यास वैली का रोंगकोंग विलेज, ब्यास घाटी के सबसे सुंदर गांव में से एक, और मैं जैसे ही ना भी आया था वहीं से देखा था और बहुत ही सुंदर लगा था, मेरा बहुत मन था यहाँ घूमने का और मैं यहाँ पे घूम भी लिया हूँ। बहुत ही सुंदर है, अगर आप आदि कैलाश की तरफ जा रहे हो, अगर ना भी रुक रहे हो तो यहाँ घूमने जरूर आएँ, यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट करें। आगे चल के मैंने गाँव वालों से बोला तो है भाई, यहाँ पर होम स्टे वगैरह बनाए तो आप यहाँ पर भी आगे चल के रुक सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने देने की पूरी कोशिश करी, गांव वालों से बात करी, आपको ये वीडियो कैसी लगी? और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और खुश रहिए।